हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आई क्यू जी नाइन लाइट 5G फ़ोन है, तो आई क्यू जी नाइन लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने आई क्यू फ़ोन में आप OTG सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं आई क्यू जी नाइन लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG सेटिंग्स को कैसे सेट कर सकते हैं और OTG सेटिंग्स का यूज़ करके कैसे पैन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट कर पाएंगे आई क्यू जी नाइन लाइट 5G फ़ोन के सेटिंग्स पर जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर OTG सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप कर लेना है, फिर आपको सेटिंग्स पर जाना है। इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में OTG सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स है शो हो गई आपके फ़ोन के, इस पर जाकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और OTG को भी सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, देख सकते हैं। तो आपको स्लाइड करना है और ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पर जाना है। तो जब आप ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पर जाते हैं तो OTG सेटिंग्स को भी आप सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ऑन कर देंगे तो OTG ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, जिससे आप पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और फ्लैश स्टोरेज ड्राइव का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा स्टोरेज का यूज़ कर पाएंगे और फाइल वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे डिवाइस में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके से OTG को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़ कर देंगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ऑन करते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं OTG ऑप्शन का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।